प्रोसेस के कुछ ऑपरेशन हैं उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑपरेशन है प्रोसेस के ऊपर जो हम कर सकते हैं हम प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं सिस्टम से और इनकी डिटेल जो है वो हम देख लेते हैं ठीक है अब सबसे पहले है प्रोसेस क्रिएशन पेरेंट प्रोसेस क्रिएट चाइल्ड प्रोसेसिस विच टर्न क्रिएट अदर प्रोसेसिस फॉर्मिंग अ ट्री ऑफ प्रोसेस ठीक है अब इस तरह से होता है कि एक चाइल्ड एक प्रोसेस जो है आपका क्रिएट हुआ हुआ है उसको ज़रूरत है तो वो कि अपने चाइल्ड जो है वो जनरेट कर लेता है ठीक है फिर उन चाइल्ड्स को आगे प्रोसेस की ज़रूरत है तो वो अपने ग्रैंड चाइल्ड जो है वो उनको क्रिएट कर लेता है तो मीन जैसे हिरारकी होती है ना ट्री की फॉर्म के अंदर ये उस तरह से प्रोसेस क्रिएशन होती है ठीक है पेरेंट प्रोसेस होता है वो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है और चाइल्ड जो आगे ग्रैंड चाइल्ड जो है वो क्रिएट करता है इस तरह से एक हेरारकी बन जाती है ट्री की फॉर्म के अंदर प्रोसेस क्रिएशन की जनरली प्रोसेस आइडेंटिफाइड एंड मैनेज बाई अ प्रोसेस आईडी तो फिर हर एक जो प्रोसेस क्रिएट हो रहा है उसकी एक आईडी रख दी जाती है जिसको पी आई कहा जाता है ठीक है प्रोसेस आईडी और फिर जब भी प्रोसेस को आपने जो है कॉल करनी है या फिर उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसकी पी आई के थ्रू जो है उसको रिकोगनाइज किया जाता है रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शन कौन कौन से हैं प्रोसेस के दरमियान वो किस किस तरह से रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं वो है पेरेंट एंड चाइल्ड शेयर ऑल रिसोर्स ऐसा भी हो सकता है पेरेंट और चाइल्ड जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको दोनों जो है वो शेयर कर रहे हो ऐसा हो सकता है कि चाइल्ड शेयर सबसेट ऑफ पेरेंट रिसोर्सेज ठीक है कि पेरेंट के जो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं वो चाइल्ड जो है यूज ना कर सकता हो सिर्फ उसमें से कुछ जो है उन्हीं को यूज़ कर सकता हो ठीक है ऑल रिसोर्सेज सारे यूज कर सकता हो या फिर सबसेट ऑफ पेरेंट रिसोर्स या फिर पेरेंट के रिसोर्सेज का सबसेट कुछ यूज कर सकता हो कुछ ना यूज कर सकता हो या फिर ऐसा भी हो सकता कि no है कि कि पेरेंट एंड चाइल्ड शेयर नो ठीक है में अपने अपने अलग कर ले और उनके दरमियान शेयरिंग ही ना हो ठीक है एग्जीक्यूशन ऑप्शन पेरेंट एंड चाइल्ड एग्जीक्यूशन कल ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों जो है वो एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट वेट्स अनटिल चाइल्ड टर्मिनेट ठीक यहाँ पे यूं भी हो सकता है कि पेरेंट और चाइल्ड एट द सेम टाइम जो एग्जीक्यूट ना हो रहे हो चाइल्ड जो है टर्मिनेशन में है और पेरेंट उसका वेट कर रहा है कि चाइल्ड जो है वो भी अपने एग्जीक्यूशन खत्म कर ले और फिर टर्मिनेट हो जाएगा ठीक है यहाँ पे हिर दिखाई हुई है कि किस तरह से प्रोसेसिस होते हैं ठीक है ये प्रोसेस एक क्रिएट हुआ है पी आई डी वन से इसको अगर नीट सी अपने चाइल्ड जो है वो जनरेट कर लिया है आगे फिर प्रोसेस को और नीट ही प्रोसेसिस की तो उसने अपने चाइल्ड क्रिएट कर रही है तो ये पेरेंट ये चाइल्ड और ये ग्रैंड चाइल्ड ठीक है इस तरह से हेरकी जो है वो आगे इंक्रीज होती रहेगी अच्छा अब पीछे प्रोसेस की टाइम की, की बात हुई है यहाँ पे प्रोसेस की एड्रेस स्पेस की बात होगी ठीक है चाइल्ड डुप्लीकेट ऑफ पेरेंट ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्ड जब वो सेम एज इट इज अपने पेरेंट की तरह हो उसी की डुप्लीकेशन हमने की हो या फिर चाइल्ड हैज प्रोग्राम टू इट या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्ड जो है वो कुछ अपने फीचर्स उसके अंदर ऐड कर ले ठीक है है कुछ अपने प्रोग्राम्स जो है, वो ऐड कर ले जैसे हम ऊप के अंदर इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो ड्राइव क्लास के या पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज भी हो सकती है उसके अलावा अपने फीचर्स जो है वो भी उसके अंदर ऐड कर सकता है तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से ही है ठीक है यूनिक्स की एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है चाइल्ड क्रिएट करने की फोक की कॉल यूज होती है यूनिक्स के अंदर प्रोसेस नया क्रिएट करने के लिए चाइल्ड क्रिएट करने के लिए ठीक है fork की कॉल यूज होती है और एग्जिक exec, एग्जीक्यूशन की कॉल यूज होती है जब हमने उस चाइल्ड uh, को जो है वो एग्जीक्यूशन फॉर्म के अंदर लेके आना होता है ठीक है यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है फॉक है ठीक है पेरेंट ने फॉक की कॉल की है उससे जो है वो चाइल्ड जनरेट हो जाएगा फिर उसको जो है एग्जीक्यूशन देनी तो एग्जीक्यूशन की है फिर उसके बाद वो एग्जिट करना चाहता है या फिर वेट करना है किसी वजह से वो करेगा और एट द एंड जो है वो अपनी स्टेट से या तो एग्जिट हो जाएगा या फिर वो अपनी स्टेट को रिज्यूम करके फिर उसको स्टार्ट कर देगा ठीक है अब यहाँ पे आ, ये कुछ कोड है प्रोसेस टर्मिनेशन प्रोसेस एग्जीक्यूट लास्ट स्टेटमेंट एंड देन आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिलीट इट यूजिंग द एग्ज़िट सिस्टम कॉल ठीक है प्रोसेस ने अब यहाँ पे क्या है टर्मिनेशन प्रोसेस ने सिस्टम से टर्मिनेट होना है एग्जिट करना है तो प्रोसेस की जब लास्ट स्टेटमेंट चलेगी तो उसके बाद वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से कहेगा कि अब उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी उसको जो है वो सिस्टम से एग्ज़िट कर दिया जाए ठीक है ख़त्म कर दिया जाए तो एग्ज़िट की सिस्टम कॉल से जो है उसको वहाँ से सिस्टम से एग्ज़िट कर दिया जाता है ख़त्म कर दिया जाता है रिटर्न स्टेटस डेटा फ्रॉम द चाइल्ड टू पेरेंट वेट कॉल ठीक है ये वेट कॉल क्या है जब जैसे पेरेंट ने जो है चाइल्ड क्रिएट किया चाइल्ड एग्जीक्यूट हो रहा है तो पेरेंट ने वेट की कॉल दे दी कि जब चाइल्ड अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म करेगा तो अपना डाटा जो है वो रिटर्न करेगा पेरेंट को पेरेंट को पता चल जाएगा कि चाइल्ड जो है अब फिनिश कर दी दीजिए अपनी एग्जीक्यूशन और वो जो है फिर टर्मिनेट हो जाएगा ठीक है तो पेरेंट वेट कॉल करता है चाइल्ड के लिए या फिर कोई भी प्रोसेस कर सकता है जब वो वेट कर रहा होता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ठीक है तो वेट कॉल के थ्रू जो है पेरेंट जो है वो वेट कर रहा होता है अपने चाइल्ड का कि वो खत्म करे और अपना डाटा जो है वो रिटर्न करे कि उसने एग्जीक्यूशन जो है वो खत्म कर ली लिया प्रोसेस द ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है वेट कॉल के थ्रू एक तो ने तो अपना डाटा जो है स्टेटस वो रिटर्न किया जो रिसोर्सेज एलोकेट किए हुए थे वो डी एलोकेट किए खत्म किए क्योंकि वो अब जो है वो सिस्टम से एग्जिट होने लगा ठीक है पेरेंट में टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेसिस यूजिंग द अबोर्ड सिस्टम कॉल ठीक है सिस्टम कॉल किस लिए होती है अब टर्मिनेट होता है या एग्जिट होता, होता है एग्जिट होता है 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 जब सिस्टम से खत्म हो जाता ठीक है, है? अपनी कंप्लीट करके एग्जीक्यूशन अबॉर्ड क्या होता है कि सिस्टम अभी एग्जीक्यूशन के प्रोसेस अभी एग्जीक्यूशन के अंदर है और उसको जबरदस्ती जो है हम उसके एग्जीक्यूशन खत्म करके उसको एग्जिट कर देते हैं ठीक है मतलब वो तो अपनी प्रोसेसिंग खत्म कर रहा है लेकिन कोई मसला है जिसकी वजह से जो है हमें फौरन से खत्म करना है तो हम प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को अबोर्ड कर देते हैं खत्म कर देते हैं एकदम से और उसको खत्म एग्जिट करवा देते हैं ठीक है चाइल्ड हैज एक्ससीडेड एलोकेटेड रिसोर्सेज इसकी जो है कई रीजन हो सकती है अबोर्ड कर ले कि चाइल्ड हो सकता है अपने एलोकेटेड रिसोर्सेज से ज्यादा जो जा है डिमांड करने लग जाए ठीक है तो फिर हम उसको जो है कर सकते हैं अबोर्ड टास्क असाइन टू चाइल्ड इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड और अगर चाइल्ड को जो काम दिया गया है एग्जीक्यूशन दी गई है उसकी अब जरूरत ही नहीं है तो हम उसको क्या अबोड कर देते हैं द पेरेंट इज एग्जिटिंग एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ अ चाइल्ड टू कंटिन्यू इफ इट्स पेरेंट टर्मिनेट ठीक है यूं भी हो सकता है कि पेरेंट जो उसने एग्जीक्यूशन खत्म कर लिया है और वो एग्जिट हो रहा है सिस्टम से जा रहा है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पेरेंट जा रहा हैं उसके चाइल्ड जो वहां पे अपनी वर्किंग परफॉर्म करता रहे फिर इस वजह से चाइल्ड को भी जो है वो अबोर्ट कर दिया जाता है ताकि पेरेंट के साथ उसको भी यहाँ से जो है टर्मिनेट कर दिया जाए ठीक है तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम प्रोसेस को अबोर्ट कर सकते हैं ठीक है अब ये नेक्स्ट स्लाइड है इसके ऊपर भी वही टर्मिनेशन वाला ही है अच्छा प्रोसेस टर्मिनेशन सिस्टम डू नॉट अलाउ चाइल्ड टू एग्जिस्ट इफ इट्स पेरेंट हैज टर्मिनेटेड कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलाउ नहीं करते हैं कि अगर पेरेंट जो है टर्मिनेट हो रहा है और चाइल्ड रह जाए जा सिस्टम के अंदर ठीक है वो कहते हैं कि पेरेंट जो है इस टाइम पे एग्जिट कर रहा है तो उसके चाइल्ड भी जो है वो साथ में एग्जिट होने चाहिए ठीक है इफ़ अ प्रोसेस टर्मिनेट्स देन ऑल इट्स चाइल्ड चिल्ड्रन मस्ट आल्सो भी टर्मिनेटेड ठीक है कि अगर जो कोई एक प्रोसेस टर्मिनेट कर रहा है तो उसके जितने भी चाइल्ड हैं वो साथ में टर्मिनेट करेंगे इसको हम क्या कहते हैं केसकेडिंग टर्मिनेशन कहते हैं ठीक है केसकेडिंग टर्मिनेशन है? कहते हैं केसकेडिंग मीन्स सारी की सारी जो हैरारकी है वो सारी एक, एक ही दफा टर्मिनेट होगी पेरेंट भी चाइल्ड भी ग्रैंड चाइल्ड भी ठीक है टर्मिनेशन इज इनिशिएटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है और अब ये टर्मिनेशन जो करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा खुद से ठीक है अब दो यहाँ पे चीजें हैं एक है जोबी प्रोसेसिस और एक है ऑर्फन ये दोनों क्या होते हैं ये मैं इसकी यहाँ पे थोड़ी डिटेल है वहां से आपको बता देती हूँ द ऑर्फन प्रोसेस हुज फिनिश और टर्मिनेटेड ठीक है ऑर्फन हम क्या कहते हैं ऑर्फन बच्चे कौन से होते हैं हुज पेरेंट हैज फिनिश्ड और टर्मिनेटेड जिसके पेरेंट प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर ली है और वो टर्मिनेट हो गए हैं बट इट्स चाइल्ड प्रोसेस रिमेन रनिंग इट्स सेल्फ लेकिन उसके जो चाइल्ड प्रोसेसिज हैं वो अभी भी क्या है रनिंग के अंदर है ठीक है ये कौन से प्रोसेस होते हैं ये ऑरफन होते हैं जिनके पेरेंट जो है वो अपने एग्जीक्यूशन करके खत्म करके टर्मिनेट हो गए हैं लेकिन उनके चाइल्ड जो है वो सिस्टम के अंदर है और एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है थीके? ये ऑरफन हो गए जोबी कौन से होते हैं अ जोम्बी इज अस डेट हैज कम्प्लीटेड इट एग्जीक्यूशन बट स्टिल इन द प्रोसेस एंड इट स्पिर डि नॉट इन वेट सिस्टम कॉल ठीक है अब जोम्बी प्रोसेस कौन से होते हैं जिन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन तो कम्प्लीट कर ली होती है लेकिन वो सिस्टम से जा नहीं सकते हैं क्यों नहीं जा सकते हैं कि उनकी एंट्री जो है वो प्रोसेस टेबल के अंदर होती है ठीक है एक एक प्रोसेस जो क्रिएट हुआ है 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 उसका टेबल बनता उसके अंदर इसकी सारी इंफॉर्मेशन होती ठीक है तो यहाँ पे क्या है कि प्रोसेस इन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन तो खत्म कर दी है लेकिन इनकी प्रोसेस टेबल के अंदर जो है वो एंट्री होती है जिसकी वजह से ये अभी एग्जिट नहीं कर सकते है, ठीक है तो इनको जोम्बी प्रोसेस कहते हैं और वो दूसरे जो है वो ऑर्फन है जिनके चाइल्ड टर्मिनेट हो गया लेकिन वो अभी सिस्टम के अंदर है एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं ठीक है तो इसमें कोई मसला है ऑर्फन या फिर प्रोसेस टर्मिनेशन में कोई मसला है तो पूछे वरना फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पीछे हम लोग बात करते रहे हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर दो तरह का कम्युनिकेशन होता है एक मैसेज पासिंग होता है और एक मेमोरी शेयरिंग होता है उसी को यहां पे डिटेल से हमने पढ़ना है ठीक है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आई पी सी ठीक है ये क्या होता है ये प्रोसेस के दरमियान जो है कम्युनिकेशन जो हम करवाते हैं वो किस तरह से होता है ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है ठीक है प्रोसेसिस विद इन अ सिस्टम मे बी इंडिपेंडेंट और कॉपरेटिंग अब सिस्टम के अंदर जो हमारे प्रोसेसेस हैं, वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और कॉपरेटिंग भी हो सकते हैं अब ये दोनों प्रोसेसेस क्या हैं? कॉपरेटिंग प्रोसेसेस वो वाले प्रोसेसेस होते हैं जो कि एक दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट कर रहे होते हैं या उनसे इफेक्ट हो रहे होते हैं क्योंकि ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में कम्युनिक कॉपरेट कर रहे हैं तो ये इफेक्टेड हो सकते हैं दूसरों से और दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट भी कर सकते हैं ठीक है थीके? क्योंकि ये आपस में जो है रिसोर्स शेयर हैं मेमोरी शेयर करें एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें ठीक है इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस कौन से होते हैं वो प्रोसेसेस जो आपस में जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे है. जो आपस में कम्युनिकेट नहीं करे जो आपस में कोऑपरेट नहीं करे जो आपस में शेयरिंग नहीं करे ठीक है तो वो सेपरेटली अपना अपना जो है वो टास्क जो है उसको परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है अब ये दो तरह के प्रोसेसिस हो गए कोऑपरेटिंग प्रोसेस कैन इफेक्ट और बी इफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस ठीक है इफेक्ट कर भी सकते हैं और दूसरे प्रोसेस से इफेक्ट हो भी सकते हैं इंक्लूडिंग शेयरिंग डेटा क्योंकि वो डेटा को शेयर कर रहे होते हैं उस डेटा के थ्रू जो है वो हो सकते हैं इफेक्ट रीजन क्या है आप कॉपरेटिंग प्रोसेसिस की इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो या फिर कंप्यूटिशन को स्पीड अप करना हो एक दूसरे के साथ टर्न देके ठीक है मॉड्युलरिटी ठीक है मॉड्यूल बेस अगर आपका सिस्टम है तब आप लोग जो है प्रोसेसिस आपस पर कम्युनिकेट करते हैं या फिर कन्वीनियंस इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करने के लिए आप लोग कोऑपरेट करवाते हैं प्रोसेसिस के दरमियान ठीक है कोऑपरेटिंग प्रोसेसिस नीड आई इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अब जो कॉपरेटिंग प्रोसेस जाहिर बात है उन्होंने एक दूसरे एक के साथ कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेट करने के लिए जो प्रोसेस के दरमियान एक टर्म यूज होती है उसको आई कहते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के दो मॉडल्स हैं दो तरह से हो सकता है या तो मेमोरी को शेयर करते हैं या फिर मैसेज पासिंग करते हैं ठीक है थीके? ये दोनों हम देख लेते हैं यहाँ पे एक डायग्राम है अब ये क्या मैसेज पासिंग ठीक है प्रोसेस ए ने कोई मैसेज जो है वो देना है एक क्यू बना हुआ है उन क्यू के अंदर जो है आके ये अपने मैसेजेस रखते हैं और वो आगे डिलीवर होते हैं प्रोसेस वन ने कोई मैसेज कर अंदर उसने अपना मैसेज राइट किया और क्यू में रखवा दिया प्रोसेस बी है उसने अपना कोई मैसेज राइट किया और यहाँ पे क्यू में रखवा दिया और फिर इस क्यू से आगे जो है वो प्रोसेस एक दूसरे प्रोसेस को जो है वो डिलीवर होते रहते हैं ठीक है पास आउट होते रहते हैं यहाँ पे क्या मेमरी शेयरिंग है ठीक है प्रोसेस ए ने कोई कम्युनिकेट करना है उसने भी उसी शेयरिंग मेमोरी के अंदर आया और अपनी कम्युनिकेशन की प्रोसेस बी ने भी कोई जो है रिसोर्स uh, जो रिक्वायर करना है या डी एलोकेट करना है या फिर कोई भी डिमांड करनी है कोई भी कम्युनिकेट कर करना है उसने भी क्या किया उसी शेयरिंग मेमोरी के अंदर आके कम्युनिकेट किया ठीक है तो यहाँ पे क्या है ये एक शेयर कोई स्पेस नहीं है जिसको वो कर रहे हैं अपने मैसेजेस क्यू में रख रहे हैं और फिर वहां से डिलीवर हो रहे हैं और जो शेयरिंग मेमोरी है वहां पे क्या एक ही मेमोरी है और उसी वेबरी को सारे प्रोसेस एक्सेस करके उसी के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट हैं ठीक है आगे हमारे पास प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये प्रोसेसेस की डिफरेंट प्रॉब्लम आएगी और उनके सोल्यूशन आएंगे ठीक है यहाँ पे हमने समझ लें कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर के अंदर कौन सी प्रॉब्लम जो है वो आती है ठीक है इसको देखते हैं अच्छा अब इसके प्रोड्यूसर कौन सा प्रोसेस होगा जो कि कोई आइटम कोई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करके देगा सिस्टम पे और कंज्यूमर कौन सा होगा जो कि सिस्टम से वो इंफॉर्मेशन जो पहले प्रोड्यूस हुई होगी उसको कंज्यूम करेगा उसको रिट्रीव करेगा उसको एक्सेस करेगा ठीक है तो प्रोड्यूसर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करके देगा और कंज्यूमर जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक्सेस करेगा कंज्यूम करेगा इसलिए इसको हम कंज्यूमर कहेंगे ठीक है अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे सबसे पहले तो ये दो टर्म है यहाँ पे बाउंडेड बफर और अनबाउंडेड बफर ये भी आपको बता देती हूँ ये अब ये जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर ये वाली प्रॉब्लम है मेमरी शेयरिंग की ठीक है ये या आपने याद रखना है ये मेमरी शेयरिंग की प्रॉब्लम होगी कि जब एक ही सेम स्पेस है जिसको प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों प्रोसेस ने एक्सेस करना है वो सेम स्पेस होगी तो उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है ठीक है यहाँ पे हमने इस चीज को जो है वो ए, देखना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है